फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन फ्लाइंग चैनल पर। एयरलाइंस की आज की खबरों में हम यूएई और दुबई से फ़्लाइटों के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी लेने वाले हैं कि इस समय दुबई और यूएई से क्या जानकारी सामने आ रही है। तो यूएई से पहली अपडेट आ रही है यहाँ पर क्वारंटाइन को लेकर। फ्रेंड्स, इस नए कोरोना वायरस के खतरे को देखकर यूएई ने दुनिया के सभी देशों के पैसेंजर्स के ऊपर क्वारंटाइन का नियम लगा दिया था, लेकिन अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार दुनिया के 16 देशों से आने वाले पैसेंजर्स को यूएई में क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। ये एक लेटेस्ट खबर आ रही है जो हम आपको बता रहे हैं। इन 16 देशों में जो देश शामिल है उनके नाम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से देश हैं। तो इन 16 देशों में है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, चाइना, ग्रीस, ग्रीनलैंड, हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, ताइवान, तजाकिस्तान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। यदि आप इन देशों से ट्रैवल करके दुबई में या फिर यूएई में जाते हैं तो आपको क्वारंटाइन में नहीं रहना पड़ेगा। आप बिना क्वारंटाइन के ही यूएई में जा सकते हैं, लेकिन आपको अपना कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करना अनिवार्य रहेगा। और इसके अलावा आपका दुबई पहुंचने के बाद फिर दोबारा से आपका कोरोना का जांच किया जाएगा। ये एक पहली खबर थी कि अब आपका क्वारंटाइन दुबई में जाने के बाद नहीं होगा। अगली खबर जो आ रही है दुबई से वो अमीरात को लेकर है। फ्रेंड्स, अमीरात ने अभी हाल ही में भारत से कई उड़ानों को कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा बीच में कुछ फ्लाइटों की बुकिंग भी बंद कर दी थी, जिसके बाद कई मीडिया में इस बात की भी रिपोर्ट आ रही थी कि क्या भारत और दुबई के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो जाएंगी। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर केवल कुछ फ्लाइटें ही कैंसिल हुई हैं। फ्लाइटों के कैंसिल होने से ये नहीं है कि भारत और दुबई के बीच में उड़ानें बंद हो गई हैं। अभी भी भारत और दुबई के बीच में उड़ानें वैसे ही ऑपरेट हो रही हैं जैसे कि पहले ऑपरेट हो रही थी। अगली जानकारी जो दुबई से आ रही है वो आ रही है फ़्लाइटों के कैंसिलेशन को लेकर। फ्रेंड्स, नए साल के मौके पर इस समय जहां कई फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, वहीं इस समय फ़्लाइटों के किराए में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बताना चाहूँगी कि जो दुबई का किराया भारत से 15,000 से लेकर 20,000 के बीच में होता था, वहीं अब इन फ़्लाइटों का किराया 25,000 से लेकर 50,000 के बीच में जा पहुँचा है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि नए साल के मौके पर बहुत सारे लोग भारत से दुबई में ट्रैवल करना पसंद करते हैं, लेकिन इस समय लिमिटेड फ़्लाइटें होने के कारण बहुत कम लोग ही ट्रैवल कर पा रहे हैं, जिस कारण से फ़्लाइटों के किराए में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी आ चुकी है। अगली खबर जो यूएई से आ रही है उस खबर के अनुसार यूएई ने वैक्सीन को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि यूएई ने अभी भी चाइनीज़ वैक्सीन को अप्रूवल दिया हुआ है और यूएई में लोगों को चाइनीज़ वैक्सीन भी लगाई जा रही है, जिसके बाद यूएई ने इस बात की जानकारी दी है कि चाइनीज़ वैक्सीन इन लोगों के ऊपर 100% काम कर रही है, जिस कारण से चाइनीज़ वैक्सीन इस समय सबसे सुरक्षित वैक्सीन मानी जा रही है। ये जानकारी खुद यूएई के हवाले से आई है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ यूएई दुबई से जुड़ी हुई ज़रूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को यदि आपने पहली बार देखा है और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स हम इस चैनल पर एयरलाइन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं।